शुभम है और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इसे आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं मेरे ऑफिस में मैं 10 डेज में कितना वाटर प्यूरीफायर सप्लाई करता हूँ। मतलब रोज का मेरा 8-10 असेंबल करके मेरा बाहर सप्लाई रहता है और मैं कितना पंप यूज़ करता हूँ, मेरे इधर कितना स्टॉक आता है, वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। कौन से ज़्यादा करके आता है मेरे इधर, ज़्यादा करके सुप्रीम का देखो, जैसे सुप्रीम का आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम का आता है, ज़्यादा करके मैं सुप्रीम का देता हूँ, फिर एक्वा ग्रैंड का देता हूँ। मेरा बैक साइड में गोडाउन है, यहाँ पे सब अपलेवर रहता है असेंबलिंग करने का, पार्ट्स वगैरह। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा करके सुप्रीम का है, एक्वा ग्रैंड का है, फिर उसके बाद अलग अलग मॉडल है, डॉल्फिन है। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ और अपना स्टॉक दिखाता हूँ, मैं कितना महीने का यूज़ करता हूँ और मेरा सप्लाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बताया कि मैं होलसेल भी करता हूँ, रिटेल भी करता हूँ। ऑफिस है विरार में, भाईंदर में भी है। जैसे आपको कुछ लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टेक्ट करके मुझसे स्पेयर पार्ट ले सकते हैं एकदम रिजनेबल रेट में। चलो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि आपको मेरा स्टॉक कितना है और ज़्यादा करके क्या यूज़ रहता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये देख रहे हो कि मेरा है सुप्रीम का ज़्यादा यूज़ है, आपको मैं पहले ही बताया था। यहाँ पे मेरे मेमरन रखे हैं, सब मेमरन रखे हैं, ज़्यादा करके मैं क्रोम का, अलग अलग टीजीएस के लिए अलग अलग मेमरन यूज़ करता हूँ। क्रोम का हो गया, एक्वा का हो गया, TFC हो गया, वॉन्ट्रॉन हो गया, वो सब ज़्यादा करके। ग्रैंड भी है मेरे पास, सुप्रीम है यहाँ पे, और डॉल्फिन मॉडल में भी मैं यूज़ करता हूँ कि डॉल्फिन ज़्यादा मेरे पास रहता है। और अलग अलग जैसा लुक के हिसाब से कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से मैं यूज़, जैसा उनका डिमांड रहता है वैसा रहेगा। एक्वा टच का भी है मेरे पास, फिर ये है एडवांस एक्वा गार्ड जैसा दिखता है, ये भी है और ये भी मॉडल है। और मेरा विरार में है और आटा चक्की का भी है, जैसा फ्लोर मिल होता है वो भी है। और ये वाटर प्योरीफायर का कवर है, सब कवर है मेरा, ये सब यूज़ रहता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास मेरा मंथली हर 10 डेज में बियॉन्क्यूस का 100 GBT का पंप का बॉक्स है, ऐसा पैक पैक बॉक्स आता है मेरे पास। कम से कम अभी ये मेरा 10 डेज में बॉक्स है, ये बॉक्स में 6 पंप रहता है, ऐसा रैक में आता है, ये रैक में 3 पंप रहता है, ऐसा रैक में ऐसा 2 रैक रहता है, 6 पंप आता है एक के अंदर। और ये लेक्सप्रू का है, ये बॉक्स है लेक्सप्रू के अंदर भी, इसका तो क्वांटिटी ज़्यादा ही रहता है मेरा, ज़्यादा करके मैं लेक्सप्रू और बियॉन्क्यूस का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये सब लेक्सप्रू का पंप के है, आप देख सकते हैं ये सब यूज़, ये लेक्सप्रू का सब 100 GBT का पंप है और बियॉन्क्यूस का भी है। फिर उसके बाद जैसा ये LED, कोई कोई वाटर प्योरीफायर में LED भी सिस्टम देना पड़ता है, तो 12 वोल्ट का LED सिस्टम भी है, ये सब रहता है, यूज़ करना पड़ता है। और जैसा फ्लोट बॉल में मेरे को यूज़ करना पड़ता है वायर, तो मैं सबसे बेस्ट है मेरे पास से यूज़ करता हूँ पॉली कैप का है, इसका MRP आप देख सकते हैं, दिख नहीं रहा आपको, ब्लर दिखता होगा, हाँ अब भी आया, क्लियर आया, इसका MRP देख सकते हैं 869 का है, बार कोड भी दिया है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। और 100 मीटर का रहता है, पॉली कैप पैनल वायरिंग रहता है, 0.5 स्क्वायर का है, 100 मीटर्स का रहता है, ऐसा ही है। बाकी ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, कम से कम मेरे को ये बॉक्स आता है 850 का है, 650 के आसपास आता है। और ये देखो यहाँ पे सब है, ये है UV वाटर प्रीफर, जैसा किसी कस्टमर का अगर 100 के नीचे TDS है तो मैं ज़्यादा करके UV प्रेफर करता हूँ। ये UV रहता है विदाउट स्टोरेज टैंक वाला, स्टोरेज टैंक वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा मेरे पास। ये अल्फा वगैरह का है, केंट वगैरह का ज़्यादा करके। और ये है मेरा स्टॉक का, यहाँ पे सब मेरा स्टॉक भरा पड़ा है, ज़्यादा करके सुप्रीम का है, एक्वा ग्रैंड का है, एप्पल का है, फिर एप्पी का है, ये सब आप देख सकते हैं, बाहर भी है। और ये आप जो देखा अभी वीडियो देखा है, ये फ्लोर मिल है, चक्की आटा चक्की है, मैं उसके बारे में बाद में वीडियो आपको बताऊंगा। इससे कमर्शियल ये सब मशीन है यूज़ वगैरह के लिए, ज़्यादा करके यूज़ रहता है। ये है मेरा गोडाउन,
यहाँ पे गोडाउन आपको दिखा देता हूँ। मेरा यहाँ पे असेंबलिंग ट्रे है, स्टैंड ही है। यहाँ पे मेरा सब नोजल्स वगैरह, फिल्टर्स वगैरह पड़े रहते हैं, सेडिमेंट, कार्बन पीपी, मेम्ब्रेन हाउसिंग, फिर बाउल रहता है, ये है गोडाउन, पाइप्स वगैरह हैं, और ये है यहाँ पे, और फिर उसके बाद है मेरा इसके अंदर का है। ये आपको दो जो चीज़ बता रहा था मैं, दो टाइप के यूबी चोक होते हैं, एक ये एसी वाला है और ये जो वाइट वाला है डीसी पे है, ये डीसी यूबी चोक है। और ये फ्लोर बॉल है, अभी नया कंपनी का आया है एकदम लेटेस्ट, अगर आपको ज़रूरत रहेगा तो बताना, रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको बताना। एकदम पैकिंग भारी दिया है, ये सब अच्छे क्वालिटी का है। इसका इस पर MRP भी दिया है, ऐसे MRP तो अभी मैं देखा नहीं, 390 MRP है, 399 मतलब बाबा बहुत ज़्यादा ही MRP है। कस्टमर से 350-250 चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये है अपना UF फिल्टर। मेरा एक बार रैक में सब सामान लग जाएगा ना, फिर मैं एक पर्सनल रैक का वीडियो निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा रैक में क्या रहता है। ये है UF मेम्ब्रेन, इसका फ्लो वगैरह है इस कदर का है। और ये है TDS कंट्रोलर, ये इससे TDS कंट्रोलर होता है, प्लस माइनस करने से ऐसा।